चलिए आज के वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं सो वाट इज़ रैशनल नंबर्स दिस इज़ ऑल द फ्रैक्शंस वेयर द टॉप एंड बॉटम नंबर्स आर इंटीजर्स यानी कि मैथमेटिक्स में जितने सारे फ्रैक्शंस हैं वो सभी रैशनल नंबर्स हो गया फ्रैक्शंस यानी कि वन बाई टू थ्री बाई फोर सेवन बाई टू फोर बाई थ्री फोर बाई वन ये सब फ्रैक्शंस हैं कैसे समझते हैं फ्रैक्शन मतलब होता है न्यूमिनेटर और उसके ठीक नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मतलब आंस और डिनोमिनेटर मतलब हर मतलब कि वन बाई टू में वन न्यूमिनेटर है और टू डिनोमिनेटर है तो अब ये तो क्लियर है कि जितने सारे फ्रैक्शंस नंबर है वो सब रैशनल नंबर्स होंगे अब टॉप एंड बॉटम नंबर्स आर इंटीजर्स मतलब ऊपर और नीचे का नंबर जो है इंटीजर होगा इंटीजर मतलब हम लोग नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं ज़ीरो भी ले सकते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर जो कि जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है नोट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो बट द न्यूमिनेटर कैन बी यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यानी कि हर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता लेकिन न्यूमिनेटर यानी कि अंश ज़ीरो हो सकता है क्योंकि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को ज़ीरो करते हैं तो उस नंबर का वैल्यू जो है इन्फिनिटी होगा और कोई भी नंबर इन्फिनिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है इसीलिए डिनोमिनेटर नहीं होगा ज़ीरो और अगर डिमिनेटर ज़ीरो हो तो उसका जो है ओवरऑल वैल्यू होगा वो ज़ीरो ही आएगा और ज़ीरो तो एक नंबर है ना जैसे कि वन बाई टू को लेते हैं तो अगर हम लोग टू को ज़ीरो कर देते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनी आएगा और अगर हम लोग वन को ज़ीरो कर देते हैं तो वैल्यू जीरो आएगा जो कि एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट मतलब होता है ओके इम्पॉर्टेंट नोट एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज एनी होल नंबर कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन तो जितने सारे होल नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर हो सकते हैं कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फोर कैन बी रिटर्न एज़ फोर बाई वन मतलब चार को हम लोग फोर चार बटा एक लिख सकते हैं तो ऐसा ही फॉर्म में जब कोई नंबर रहता है तो उसको ही तो रैशनल कहते हैं ना फ्रैक्शन में तो हो गया फोर इज़ अ होल नंबर एंड फोर बाई वन इज़ अ फ्रैक्शन यानी कि रैशनल नंबर तो इसलिए कहा गया है कि होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर उसी तरह सिक्सटी फाइव कैन बी रिटर्न एज सिक्सटी फाइव बाई वन एंड थ्री एट सिक्स सेवन कैन बी रिटर्न एज थ्री एट सिक्स सेवन बाई वन आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग